हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कंपोनेंट ऑफ वाटर टैंक बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कैसे वाटर टैंक को बनाया जाता है। ये ओवरहेड टैंक है, इसको आप सभी लोग जानते हैं। ये भी एक कॉमन टॉपिक है रिटेनिंग वॉल की तरह, जो सिविल सेकेंड ईयर तथा सिविल थर्ड ईयर के छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक दोनों साल के छात्रों के में कॉमन है, तो ये आप दोनों के काम आएगा। अब देखिए, मैं इसको आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको बनाना है। ठीक, देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ ध्यान देंगे इसके ऊपर कि यहाँ पे कंपोनेंट लिखा हुआ है, कंपोनेंट ऑफ वाटर टैंक। तो अब देखिए, इसमें लिखा है रूम डोम टाइप रूफ स्लैब। ये जो हमारा ऊपर वाला ये डोम है, इसी को हम रूफ टाइप डोम स्लैब बोलते हैं। ये हमारा बॉटम डोम है, ये हमारा सिलेंड्रिकल वॉल है दोनों तरफ, फिर हमारा बॉटम रिंग बीम। ये जो हमारी बीम है, ये हमारी बॉटम रिंग बीम है, ये हमारी टॉप रिंग बीम है, ये हमारे कॉलम हैं, ये हमारे ब्रेसेस हैं, और यहाँ पे हमारा फाउंडेशन है। तो ये हमारे इतने पार्ट्स हैं। अब हम आपको बनाने के लिए बताएंगे कि कैसे इसको हमें बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम नीचे से बनाना शुरू करते हैं, यहाँ इस वाले पोर्शन से। तो यहाँ देखिए कि जो हमारा फाउंडेशन का विड्थ है वो दिया गया है 11 मीटर का। इसका हमारा जो स्केल है वो देखिए सेलेक्ट कर लेंगे 1:100 का, 1:100 का स्केल रहेगा हमारा। अब देखिए, हम बनाना जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले हम दो बिंदु लगा लेंगे 11 सेंटीमीटर के, एक ऐसे फिर एक यहाँ पे, ऐसे दो बिंदु लगा लेंगे 11 सेंटीमीटर के। फिर क्या करेंगे, इस वाले बिंदु से 3 सेंटीमीटर का लाइन इधर खींच देंगे और इस वाले बिंदु से 3 सेंटीमीटर का लाइन इधर खींच देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा 3 मीटर का फाउंडेशन का चौड़ाई दिया गया है, तो 3 सेंटीमीटर में आएगा ये, क्योंकि 100 का स्केल है। तो इधर 3 कर लेंगे और इधर 3 कर लेंगे, दोनों तरफ 3 कर लेंगे, बीच की जो जगह बचेगी वो अपने आप उसको बचा देंगे। उसके बाद क्या करना है कि हमारा देखिए टोटल फाउंडेशन की जो हाइट है वो है 1 मीटर की, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 1 सेंटीमीटर ऊपर डॉट लगा देंगे 1 सेंटीमीटर में, फिर हम फाउंडेशन बना लेंगे। आपको फाउंडेशन बनाने तो आता ही है, जैसे फाउंडेशन हम लोग भवन प्लान वाले में बनाते थे उसी तरीके से फाउंडेशन बना लेंगे। इसका कुछ मोटाई रहता है, जितना दीवार की मोटाई होती है उतना ही फाउंडेशन की मोटाई भी रहती है। ये थिकनेस जो है यहाँ पे, ये वाली थिकनेस, तो हम उतना बना लेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जब हम जो ग्राउंड लाइन है उसमें और फाउंडेशन के बीच में हमारा एक प्लिंथ बनाया गया है। प्लिंथ की जो लंबाई, जो मोटाई है वो कितनी है, 0.75 मीटर, मतलब 750 mm का। ठीक, 75 सेंटीमीटर हमारा प्लिंथ है, तो हम एक मीटर बनाने के बाद ऊपर 0.75 mm का लाइन खींच देंगे, तो हमारा फाउंडेशन का के ऊपर जो प्लिंथ का एरिया है वो बन जाएगा। अब देखिए, वहाँ पे हम अर्थ का सिंबल लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है अर्थ का सिंबल और यहाँ पे जी और यल लिख देते हैं। ठीक, तो हमारा जी यल हो गया, मतलब ग्राउंड लेवल। अब देखिए, हम जब ये हमारा इतना बन के तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ऊपर का पोर्शन बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, ये हम इस स्केल पे कन्वर्ट करके नहीं बनाए हैं, ये हम ऐसे रैंडम बनाए हैं फिगर, तो आप लोग स्केल पे जब कन्वर्ट करके बनाएंगे तो आपका सही बनेगा। यहाँ पे देखिए 4 मीटर की लाइन खींचे हैं, 4 मीटर को जब चेंज करेंगे तो आएगा 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर का हमारा कॉलम के बीच का दूरी हो गया यहाँ से यहाँ तक। और ये जो हमारा ब्रेस है, ये ब्रेस क्या होता है, ब्रेस हमारे कॉलमों के बीच में लगाया जाता है। इसका मेन पर्पज ये होता है कि जो कॉलम में बकलिंग होती है उसको ये रोकता है, जिससे कॉलम का ये जो कॉलम जो है वो टूटे ना। तो देखिए, ये हमारा 4 मीटर का हो गया और जो हमारे ब्रेस की मोटाई है वो है कितनी, 650 mm। ठीक, तो हमारे जो ब्रेस हैं, हमारे जो कॉलम हैं वो हैं 650 mm के, और ये जो हमारे ब्रेस हैं ये भी 650 mm के हैं, और ये जो हमारे
कॉलम की लंबाई एक ब्रेस से दूसरे ब्रेस के बीच की है वो है 4 मीटर की। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से एक 4 मीटर की लाइन खींचेंगे, मतलब 4 सेंटीमीटर की, फिर 0.65 mm की एक लाइन खींचेंगे, उसमें थिकनेस बनाएंगे, फिर 4 मीटर का बनाएंगे 4 सेंटीमीटर, फिर ब्रेस की मोटाई बनाएंगे, फिर 4 सेंटीमीटर बनाएंगे, ये इतना बन गया। उसके बाद यहाँ पे बॉटम बीम बनाएंगे, बॉटम सर्कुलर बीम, तो देखिए इसका थिकनेस कितना है 600 है, तो इसको 600 mm थिकनेस बनाएंगे। अब देखिए यहाँ देखिए जो हमारा ये बॉटम बीम का जो निचला वाला लाइन है, यहाँ से बॉटम बीम के बॉटम डोम के ऊपरी वाली लाइन के बीच की दूरी कितनी यहाँ दी गई है 1.5D से लेके 1/8D तक। तो अब D क्या है, D हमारा जो है वो डायमीटर ऑफ ओवरहेड टैंक है। देखिए यहाँ पे डायमीटर दिया गया है 12 मीटर का, तो हम क्या करेंगे 12/5 से लेके 12/8 तक यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी हम ये बॉटम रिंग बीम जो हमारा है, बॉटम रिंग बीम से यहाँ से लेके यहाँ तक वो पॉइंट लगा के इसको बना लेंगे। जो हमारी वैल्यू आती है, तो देखिए यहाँ पे हमारा 8 मीटर है, यहाँ हमारा 11 था, ठीक, तो मतलब ये हमारा यहाँ से आउटर रहने के वजह से, यहाँ से यहाँ तक आउटर था तो ये 11 था, जब हम इसको अंदर से बनाएंगे तो ये अंदर आते आते ये 8 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जब हमारा ये डोम बन गया, तो डोम बनाने के बाद देखिए अब ये हमारा डोम यहाँ तक बन गया ऐसे। अब यहाँ से क्या करना है, ऊपर का देखिए यहाँ की चौड़ाई कितनी है 12 मीटर की है, तो और यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो क्या करेंगे यहाँ से 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ा देंगे एक पॉइंट, और 2 सेंटीमीटर इधर एक पॉइंट बढ़ा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे 2 सेंटीमीटर इधर 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ाने के बाद 1 से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर डॉट लगा देंगे, 1 से 1.5 सेंटीमीटर इधर डॉट लगा देंगे, फिर इसको तिरछा ऐसे मिला देंगे, फिर इसका थिकनेस बना देंगे, थिकनेस कितना है 600, तो 6 mm इधर और 6 mm इधर ऐसे बना देंगे, तो हमारा ये थिकनेस बन जाएगा और ये ऊपर का पॉइंट बन जाएगा, फिर इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और ऐसे बना देंगे, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है कि जो हमारा इतना ये बन गया, तो हमारा ये वाला पोर्शन बन गया। अब ये वाली जो नीचे वाली लाइन है, ये देखिए ऊपर का नीचे वाली लाइन को क्या करेंगे, कॉन्टीन्यूअस लाइन बनाएंगे, ठीक। ये नीचे वाली जो लाइन है ये कॉन्टीन्यूअस बनेगी, और ऊपर वाली जो लाइन है वो डॉटेड डॉटेड बनेगी। क्यों, क्योंकि डॉटेड वाली इसलिए बनाएंगे क्योंकि पीछे भी तो घूम के गया होगा, तो उसको हमको दिखाना पड़ेगा, तो पीछे वाले पोर्शन को दिखाने के लिए डॉटेड कर देते हैं। फिर इसको बाहर की तरफ निकाल देते हैं, इसका थिकनेस रहेगा 400 mm, मतलब 4 mm की लाइन, और ये 1.5 मीटर का यहाँ पे एक रेलिंग बनाते हैं जिससे हम इंस्पेक्शन के लिए ऊपर जा सकें और वहाँ पे खड़े होकर कुछ काम कर सकें, इसलिए इसको बनाया जाता है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये बनाने के बाद देखिए यहाँ से फिर नीचे वाली जो लाइन है ये यहाँ से लेके 8 मीटर ऊंचाई तक हाइट बनाते हैं, और ये इंटरनल वॉल से इसका 12 मीटर का थिकनेस, यहाँ तो आप बना ही चुके हैं तिरछा, तो इसको बना के कम्प्लीट कर लेते हैं। अब देखिए इसका अगर हाइट आपको मान लीजिए, ये हाइट लेने में समस्या आ रही है कि 8 कैसे आया है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे फार्मूला है, सॉरी घेरा गया, हाँ ये 2/3D, मतलब डायमीटर के 2/3 जितना हमारा वैल्यू आता है उतना हम इसका हाइट ले लेंगे। तो हमारा देखिए डायमीटर कितना है 12, और 2 × 12 = 24, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये 8 का हम इसलिए 8 लिए हाइट। अगर यहाँ पे डायमीटर कुछ और होता तो जितना होता उतना जितना भी वैल्यू आता, जो भी वैल्यू आती वो हम वहाँ पे बना लेते, ठीक। अब देखिए हाइट बनाने के बाद हम बनाएंगे ये टॉप रिंग वाल, ये हमारी टॉप रिंग वाल है, इसकी थिकनेस देखिए, इसकी थिकनेस है 300 × 300, तो 300 हमारा ये ऐसे निकाल देंगे और 300 इसका ऐसे बाहर दोनों तरफ से ऐसे निकाल देंगे और टॉप रिंग वॉल बना लेंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे D/8 है, यहाँ से D/8 दूरी तक हमारा ऊपर तक, तो अब देखिए यहाँ D/8 करेंगे तो 12/D जब करेंगे, ठीक, ये 12/8, मतलब D हमारा कितना 12 है, तो ये आएगा 1.5 आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो ये 2 क्वेश्चन में हो सकता है दिया भी हो कि टॉप डोम का हाइट है, जो मैं क्वेश्चन किया था उसमें 2 दिया था कि टॉप डोम का जो हाइट है वो 2 रखना है, तो इसलिए मैं 2 रखा हूँ, लेकिन यहाँ पे 1.5 आ रहा है, तो अगर आप को क्वेश्चन में जितना दिया है तो आप उतना लेंगे, और अगर नहीं दिया है तब आप स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक। अब देखिए ये 2 मीटर का हम हाइट पे टॉप डोम बना दिए, और इसका थिकनेस यहाँ पे देखिए 100 mm थिक है, तो 100 mm मतलब 1 mm का इसको थिकनेस रख देंगे। यहाँ पे सिलेंड्रिकल वॉल की थिकनेस कितनी थी 200 mm, तो इसको अपने हिसाब से आप एडजस्ट करके बना लेंगे। फिर हम टॉप डोम का हाइट बना देख के थिकनेस बना देंगे, फिर इसके ऊपर रोशनदान बना देंगे ताकि
इसमें वेंटिलेशन का समस्या ना हो। अब देखिए, जब वेंटिलेशन वाला रोशनदान बना देंगे तो इसके ऊपर देखिए यहाँ पे एक लगा हुआ है क्या, तड़ित चालक। ये देखिए ये लिखा है तड़ित चालक, ये होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर या लाइटनिंग रॉड बोलते हैं। ठीक, ये आप टावर पे किसी भी हाइट वाली बिल्डिंग पे या फिर किसी टावर पे आप देखे होंगे, ऊपर एक लोहे का रॉड लगा रहता है जिससे जब भी कभी आकाशीय बिजली गिरती है तो ये उसको अपनी तरफ आकर्षित करके और उसको अर्थ में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक, तो जिससे जनधन की कोई भी क्षति नहीं होती है। तो ये किसी भी हैवी स्ट्रक्चर में ये लगाया जाता है, जो भी स्ट्रक्चर बड़ा होता है उस पर लगाया जाता है। तो इस यहाँ भी इसको लगाया जाता है लाइटनिंग कंडक्टर, तो यहाँ वो लाइटनिंग कंडक्टर एक छोटा सा रॉड होता है उसको लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ मैन होल है, मैन होल बनाया जाता है ताकि अंदर जाके कोई भी यहाँ पर कोई भी अगर मेंटेनेंस काम या इंस्पेक्शन काम करना है तो उसके लिए होता है। तो ये कर लेते हैं और इसको यहाँ से ये बना के इसका देखिए जैसे यहाँ पे डिटेलिंग की गई है। अब आप देख लीजिए, ये पूरा स्क्रीन मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, पूरा स्क्रीन साफ़ कर दे रहा हूँ ताकि आप देख सकें, कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक, अब देखिए ये पूरा इसका प्लान है और ये इसका पूरा, जैसे ये जो इतना लिखा गया है ये इसकी सारी डिटेलिंग है। देखिए ये ऐसे डिटेलिंग आपको एग्ज़ाम में करना होगा और आप ऐसे एग्ज़ाम में डिटेलिंग कर लेंगे। ये तो इसका हो गया प्लान। अब इसका सेक्शन बनाना होता है कि इसमें इसका जो सेक्शन होगा वो सेक्शन इसका कैसे बनेगा। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसमें ये जो हमारा ओवरहेड टैंक का इतना वाला पोर्शन है, ये इतने पोर्शन का हमको सेक्शन बनाना होता है। तो हम इतना इसको काट के दिखाते हैं, ये काटने वाला जैसे हम भवन प्लान और सेक्शन वाले में काट के दिखाते थे उसी तरीके से इसमें भी दिखाना है। तो इतना पोर्शन मान लीजिए हम कट किए, अब हमको इसका वो दिखाना है कि कैसे हम इसका सेक्शन बनाएंगे। तो देखिए इसका सेक्शन बनाने के लिए क्या करना है हमको कि देखिए ये, देखिए ये इसका सेक्शन है। ठीक, देखिए ये हमारा सेक्शन आ गया। अब देखिए ये जो पोर्शन है ये हमारा उसका सेक्शन हो गया। अब इसमें देखिए इसका हमको बनाने के लिए क्या करना है आपको, बस आपको बाकी सब चीज़ें वैसे ही बनानी है, बस किनारे ऐसे बना देंगे। ये यहाँ पे जो लिखा है वही ऊपर जो हम कंपोनेंट आप लिखे हम लिखे थे वही वाला कंपोनेंट यहाँ भी लिखा है, इंग्लिश में लिखा है और वहाँ पर हिंदी में लिखा है। इंग्लिश में वहाँ भी लिखा है लेकिन वहाँ पर हिंदी में भी थोड़ा बहुत लिख दिया गया है, जैसे आधार गुंबद और तड़ित चालक और ये सब आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या करना है, ये जो आपको डॉट दिख रहे हैं, ये जो हमारे ये जो आपके छोटे छोटे यहाँ पे डॉट लगे हुए हैं, ये डॉट क्या है आपको पता है, जैसे रिइंफोर्समेंट हम बनाते हैं वही रिइंफोर्समेंट हैं ये। ठीक, तो ये सारे रिइंफोर्समेंट हो गए। अब देखिए इसमें कितने कितने रिइंफोर्समेंट कहाँ कहाँ यूज किए गए हैं, ये थोड़ा सा एक टफ काम है आपको याद करने के लिए कि क्योंकि इसमें हर जगह पे अलग अलग डाया के रिइंफोर्समेंट यूज होंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि इस वाले जो सिलेंड्रिकल वॉल है हमारी, यहाँ के पे जो यूज किया गया है उसका डायमीटर 10 का है, फिर ऊपर 16 का है, फिर ऊपर 12 का है, फिर टॉप बीम टॉप रिंग में देखिए यहाँ 12 का है और स्पेसिंग 160 है, यहाँ दो यहाँ पर 220 है, यहाँ पर 140 है, ये जो टॉप रिंग बीम है, जो बॉटम रिंग बीम है उसमें अलग है, यहाँ पे देखिए 15 mm का डाया है, फिर यहाँ पे टॉप डोम में अलग है, इसका थिकनेस यहाँ दिखा हुआ है। तो ये आपको याद रखना होगा कि कैसे इसको यहाँ पे कितने कितने डाया का होगा। तो ये देखिए ये कॉलम में भी यहाँ पे लगा हुआ है बीम, बीम में लगा हुआ है रिइंफोर्समेंट, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार, तो ये आपको याद करना है। और ये इसको कहते हैं कॉनिकल डोम। ठीक, तो ये हमारा ये जो तिरछा जाता है ये कॉनिकल डोम होता है, तो ये अब आप याद करेंगे, ये इसका सेक्शन हो गया। तो इस सेक्शन को आप पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन में आता है, पिछली बार परीक्षा में आया हुआ था, तो हो सकता है कि आपको इस बार भी पूछ सकता है क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, अगर कोई समस्या होगी तो आप हमको बताइएगा। थैंक यू।